बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्रता का संविधान का जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत सहारनपुर से जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है हाईकोर्ट ने जितनी भी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनको माफ कर दिया था, उनको निराधार मानते हैं, उसको जमानत दे दी थी। इन मनुवादीय लोगों ने द्वेष भावना से ताकि दलित अपनी आवाज ना उठा सके, इनको न्याय ना मिल सके, एट ए टाइम जैसे उनको जमानत हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली एट ए टाइम उसके ऊपर रासुका लगा दिए और हम दलित समाजों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम पीसफुली डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। हमारा ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो है पूरे देश के अंदर होगा। आज का जो दलित है वो पढ़ लिख लिया है और जागरूक हो गया है। इन मनुवादियों का दुष्टाचार जो हमारे ऊपर हो रहा है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करनी पड़े भाई चंद्रशेखर के लिए, चाहे हमें कितनी भी क्रांति करनी पड़े हम उसको करने के लिए तैयार हैं। मैं अंबेडकर विधानसभा से हूँ, भीम आर्मी का सदस्य हूँ और अभी ये लड़ाई जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में ये लड़ाई जो है एक क्रांति का रूप ले लेगी। इन मनुवादियों को जिस प्रकार से दलितों के पर ये अत्याचार कर रहे हैं इसी प्रकार से हम लोग इनके ऊपर अत्याचार करेंगे। धन्यवाद सर।